नहीं करना चाहता भाड़ का। अबे भाई बात नहीं करो यार, अभी वो बदतमीजी कर रहा, मैं बदतमीजी पे उतर आया ना, बहुत मसला हो जाएगा, समझा ना। बदतमीजी करोगे तू, जानता है हमारे बारे में, तू जो जानता है ना, तू आया कहां से? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं हूं मेहरान और मैं हूं ज़ैन। आज हमारे साथ अमान भाई दोबारा एक बार मौजूद है। इससे पहले इन्होंने हमारे एक इंटरव्यू करवाया था, फिर हमने उनके साथ प्रैंक किया था, और आज प्रैंक किसी आम बंदे पे नहीं, बहुत खास लोगों पे होने वाला है, बरकत और उज़्मी पे। मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सब जानते होंगे उनको। आज उनके साथ प्रैंक होगा। इन्होंने कहा कि यार वो मेरे जानने वाले हैं, तो मैंने कहा उनको बुलाओ फिर। बहुत अच्छे कॉमेडियंस हैं और जो है बताने की ज़रूरत ही नहीं है उनको, सबको पता है, उन सबको पता है उनके बारे में, बहुत ज़बरदस्त। मैं भी उनका काम बहुत देखता हूँ, तो आज वो आएंगे, हम उनको ये दिखाएंगे कि हम एक शो कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप लोग हमारा शो करें, हम ऑर्गेनाइज़र हैं, तो उसके बाद क्या होगा वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी तो ये भी आएंगे शो में आपके साथ? नहीं नहीं, ये तो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, यहीं पर होते हैं। अभी क्यों आए हैं फिर ये? ऐसे ही साथ में आ जाते हैं, साथ होते हैं ना हमारे, ये हमारे राजदार हैं। हाँ। हमारे डील जरा वो होते हैं ना, आप समझ खुल के बात, खुल के बात। हमारा हमारा मतलब आप फैमिली ट्रबल से मेरे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे मसला है, आपको नहीं है? मुझे क्यों, आपको क्या मतलब? मैं नहीं चाह रहा ना सबको पता चले हमारे शो को। अरे क्या हो गया यार, हमारे कॉन्सेप्ट चोरी हो जाते हैं। नहीं होते भाई, ये फील्ड का आदमी नहीं, ये बिजनेसमैन है, और हमारे जितने भी यहां के शो तो बिजनेसमैन आपको नहीं पता ज्यादा चोर होते हैं। अरे तो हमारा पार्टनर है, क्या हो गया? क्या चोरी? कॉन्सेप्ट चुराते हैं और उस पर खुद पर पैसा लगाते हैं। अरे उनका शोरूम वगैरह, उनका इससे शोरूम से बता लूंगी, लेकिन हमारा मतलब ये जो हमारी डील वगैरह है, मैं साथ ही होता, कोई मैं आपकी वजह से कुछ नहीं। हां हां, बेफिक्र हो जाइए, मेरी वजह से, हमारी वजह से क्या, बात करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो आपको, आपने पहले कभी हमारी कंपनी aeroplan.bk के साथ काम किया? नहीं, पहले नहीं किया, पहले नहीं किया। आपने किया हुआ, आपको पता नहीं है? बरकत भाई ने भी किया हुआ है हमारे साथ शो aeroplan के साथ। हाँ, उनके साथ काम उमर शरीफ साहब ने किया है, वो आप लोगों के लेवल से बहुत हाई कंपनी थी, लेकिन वो अब चेंज हो गई, aeroplan बन गई है। पहले टेलीफोन कुछ और था, aeroplan अब वो पानी की कंपनी। ये 12-13 साल तो हो चुके हैं इस बात को। उस वक्त हम करते नहीं थे साथ में, हम साथ नहीं करते, अब हम लोग स्ट्रगल करते थे, अभी भी कर रहे हैं स्ट्रगल, अच्छे काम के। लेकिन आप लोग एज में तो ऐसा लगता है 50 साल पहले भी आप लोगों को काम करना चाहिए। इससे क्या होता है यार, वसूल लेट आते हैं, क्या हो गया यार, क्रिकेटर 35-35 साल की उम्र में टीम में आते हैं, 17 साल की उम्र में आ जाना चाहिए, तो चले खैर 35 में आके 40 में रिटायर हो जाते हैं। हाँ, तो अब इसमें रिटायरमेंट नहीं है ना, जावेद शेख साहब अभी तक काम कर रहे हैं, माशाल्लाह वो टैलेंटेड, इसमें जब तक आप मेहनत कर रहे हो आप नजर आ रहे हो। चलो वो तो आप लोगों का अपना मसला है। हाँ। तो आपको जैसा मैंने पहले भी बताया, शो यहाँ नहीं होगा, शो होगा इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड के शहर लंदन में, ठीक है। आपको पता है ना लंदन इंग्लैंड में है, कुछ लोग लंदन को कंट्री समझते हैं, तो लंदन में शो होगा। अबे हमने क्या कोई दान देना है, कोई टीचर के साथ बैठे में, आप बताओ ना करना क्या। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आर्टिस्ट को यार, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आजकल सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना गूगल पे मिल जाती है, आप सिर्फ शो। अच्छा तो मतलब ये साउथ अफ्रीका, ये पता है कैसे है, ये काम करने के टाइम जो इससे बात करो ना डील की, ये कुछ भी बोलेंगे एक मिनट सर मैं गूगल कर लूँ पहले, ऐसा नहीं होता भाई। हम लोग अमेरिका, साउथ अफ्रीका कर चुके हो, थाईलैंड सब जगह कर चुके, कर चुके हो, फिर तो मसला नहीं। चले आप बताएं कोई आइटम हमें, कोई जैसा कि आपको पता है कि ये शो अगर हो गया तो आपके लिए भी फायदा है और इंशाल्लाह हमारे लिए भी फायदा है, तो आपको छोटा मोटा दिखाइए कि आप शो में किस तो तरह करेंगे शो में, हमारा सारा काम पड़ा हुआ है उस पर, नेट पे आप चेक। मेरे पास इतना वक्त नहीं है ना कि मैं नेट पे देखूं, प्रैक्टिकल डेमो देखना चाहते हैं, दिखा दो थोड़ा सा। मतलब आप वहाँ पर बैठ के सुनोगे, पब्लिक में और कोई नहीं होगा, आप दोनों होंगे सर? नहीं हम दोनों नहीं होंगे, पूरी पब्लिक को आपको काम, टाइम नहीं है इतना, टाइम नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं, हम कॉमेडियन नहीं है, ना ही हम कॉमेडी देखते हैं भाई। हम लोग देखें, हम लोग हालात पे कॉमेडी करते हैं, पुलिस पे करते हैं, थोड़ा करके दिखाइए ना। क्या करके दिखाइए थोड़ा, जैसे आप नहीं 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 ऑडिशन नहीं है, जैसे आप लोगों को हंसाते हो ना। आपने किसके थ्रू बुलाया, मतलब आपको किसने बताया था कि हम दोनों को इंग्लैंड के शो के लिए बुलाया जाए? हमें अमान ने ही बुलाया, जिसने यहाँ आपको बुलाया उसी ने हमें कहा था कि मैंने अमान को बोला, मेरा दोस्त है, मैंने कहा यार मुझे कुछ कॉमेडियन चाहिए, मैं लंदन में शो करने जाता है तो रिसर्च करके जाता है ना कि यार, मैंने रिसर्च नहीं की, मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया, उसी की बात पे यकीन कर लिया, बुला लो ना अमान को, बुला लो अभी हमारा, लेकिन मैं आपका काम नहीं देखूं।
भाई तो काम आप देख के आना चाहिए ना, आपको यहाँ बैठ के सुना है। देखिए यहाँ बैठ के सुनाने में और ऑडियंस में खड़े होकर सुनाने में जमीन आसमान का आप लोगों का काम ऑडियंस को हंसाना है ये, यस तो हमें हंसाइए थोड़ा सा। तो भाई आप कैसे यार एक दो नहीं 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 हाथ नहीं लगाना बातों से। अच्छा आप ऑडियंस को जाके सबको गुदगुदियां करते हो शो में, हमने किए शो भाई को पहली दफा थोड़ी करने जा रहे तो थोड़ा सा अगर आप दिखा देंगे क्या हो जाएगा यार, एनवायरनमेंट होता है माहौल होता है। चलो माहौल है अभी, इस माहौल पे थोड़ी कॉमेडी कर लो कि भाई ऑडियंस बैठी है सामने। अभी जैसे उमर शरीफ साहब हैं वो तो कहीं भी कॉमेडी कर लेते हैं, वो तो बातें करते हैं ना। तो बातें आप लोग क्या करते हो, नाचते हो? तो भाई नाचते क्यों नाचे, बातों से ही हंसाते हो ना आप लोग। बातें करके हंसाएंगे तो वहाँ हंसाएंगे ना जहाँ पर ऑडियंस होगी। तो यहाँ पर तो ये क्या ऑडियंस है, हम दोनों ऑडियंस नहीं है। अच्छा क्या सुनना चाह रहे हैं आप, कौन से कोई कोई भी कॉमेडी जो आप लोग करते हो मुझे क्या पता। बेस्ट कोई नहीं होता, बात ये होता है देखे बहुत से जोक्स ऐसे होते हैं कि आप 10 जगह सुनाए हंसी नहीं आएगी, एक जगह सुनाएंगे हंसी आ जाएगी। लोगों का नहीं सेंस ऑफ ह्यूमर कॉमेडियन का होता है, कॉमेडियन का तो होता है लेकिन लोगों का समझने का भी सेंस ऑफ टैलेंट ये होता है कि आप किसी भी आवाम को हंसा पाओ। अच्छा मैंने आप लोगों के बारे में सुना है कि आप लोग हंसाते हैं, अच्छा मैंने सुना है भाई देखो हंसाते नहीं, कोशिश चलो कोशिश करें। कोशिश क्या करें, जैसे आप बैठे हो बात से बात, पता है बच्चों की आप ड्राइंग बुक देखो ना, बच्चों की अगर ड्राइंग बुक देखो तो उन्होंने आप जैसा बिल्कुल सेफ बनाया होता है, ये बात से बात निकालते हैं उसमें को बात निकल आती है। अब एक वकील मुझे कह रहा है कॉमेडी थी, नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ जैसे बात से बात कह रहा हूँ, ये ऐसी कॉमेडी थी कोई हंस रहा हो वो भी चुप हो जाए। क्या मसला क्या है भाई, तो कॉमेडी वो कह रहा है ड्राइंग में आप जैसा बनाते हैं ये। आप पता है कि आप एक काम कर, मैं खाली कुछ सोच के आया, किसी ने आपको बोला, इनको बोला ये बहुत टसल है इनकी भाई। मैं aroplant.pk के साथ काम करता हूं और उन्होंने ही कहा है कि शो ऑर्गेनाइज करो। आप aroplant.pk के या पीके करते हो जो भी मुझे नहीं पता, लेकिन .pk वेबसाइट को बोलते हैं आपके इन्फॉर्मेशन, आप गूगल करो, गूगल आप गूगल वाले हो आप गूगल करो, हम तो कंपनी के साथ भाई, आप नेट मतलब आप हमारे लिए करो ना, कर लो ना आप देख लो, आप करेंगे कॉमेडी वहाँ तो आप प्लीज, तो आप चुप रहे ना, मैं उनसे बात कर रहा हूं, जो कॉमेडी करेंगे उनसे डील की बात होगी भाई, तो ये दोस्त ही तो बोलेगा ना भाई। अच्छा आप थोड़ा सा कॉमेडी करके दिखाइए प्लीज भाई, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते जितना मतलब ये माहौल का माहौल के साथ यार, आप माहौल बनाओ अब यार, क्या माहौल, कोई एक जोक आप लोग मिलके सुनाओ। मेरा दोस्त एक बहुत बड़ा वकील है, मुझे कह रहा है यार जब से कराची में सर्दियां पड़ी हैं यकीन करें दिसंबर के बाद से तलाक के केस ही नहीं आ रहे, ये बात से बात निकालते हैं हम लोग, मतलब ये कॉमेडी नहीं है, बात से बात रोमांटिक मौसम चल रहा है, रोमांटिक मौसम चल रहा है, बात के हिसाब से करते हैं, ये कॉमेडी थी। और भाई तुम तो जज करने के लिए बैठे हो, तुम जजो कौन हो? मैं देख रहा हूँ, मैं नहीं हंस रहा, मैं इतने पैसे आप लोगों पे लगा रहा हूँ, आवाम इतने पैसे लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, पैसे का मैं बताऊंगा, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं पैसे के। पहले मैं ये बता दूं लंदन में शो है, लंदन में कौन सी जबान चलती है? इंग्लिश, इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज है सारे, तो इंग्लिश में कॉमेडी आप लोगों को करनी पड़ेगी। भाई क्या पैसे तो बात ही खत्म कर दी, इंग्लिश में कॉमेडी, अबे भाई हम लोग उर्दू में करते हैं, इंग्लिश में कहां से कॉमेडी, आपकी उर्दू की कॉमेडी तो आपको पता ही नहीं है हमारे बारे में। मैं जानता हूं आप लोग वो सिटकॉम वगैरह भी करते हैं, इतना मुझे पता है। चलो शुक्र है ये तो इसने देखा, सिटकॉम तो देखा है, सिटकॉम आप लोग समा पे आपके आते हैं वो मैंने टीवी वाले देखे हुए, समा पे शो हां किया था हमने, मैं इतना टीवी नहीं देखता, मेरे पास वक्त नहीं होता, आपके एक दो सिटकॉम मैंने देखे। भाई मैं बैठ के टीवी देखता, मुझे लग रहा है तुम टीवी पे बैठ के सोफे देखते हो। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है इसमें हंसना था, ये हंसनी नहीं, ये मैंने जनरल बात की है, तुम नहीं देखते ना, तुम सोफे देखते नहीं, मैं नहीं देखता, मेरे पास टाइम नहीं होता, फारिग लगे मुद्दे पे आए आप, मुझे काम की मुद्दा ये इंग्लिश में कॉमेडी करनी पड़ेगी, जैसे ट्राई करें, आपको आती है इंग्लिश? वो तो वो घर पे चश्मा लगा के काला बैठे हैं, मुझे लगा तो अंग्रेजी फरफर बोलते होंगे। अबे तो भाई चश्मा लगा के बंदा इंग्लिश बोलता है। अच्छा आपके लिए आसान कर देते हैं, अभी इन्होंने जो ये जो आपने सुनाया था ना जिसमें हमको हंसी नहीं आई, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, शायद आ जाए ऐसी। हां फिर शायद आ जाए। अच्छा ये तो सुना देगा, एक जोक के लिए जाएंगे इंग्लैंड? नहीं नहीं नहीं, बाकी सारे इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों में टैलेंट है, आपको तो आप लोग सुनाइए। अच्छा, जो इंग्लिश बोलता है उसमें टैलेंट, उसमें टैलेंट है लंदन के हिसाब से। अच्छा लंदन, तो भाई हाँ। किसी और को ले ले भाई लंदन के हिसाब से। आप लंदन गए हो? हाँ। तो लंदन वाले तो थोड़ा आगे चले गए होंगे। हाँ। क्यों? नहीं, ये लंदन क्या करना है? शकील सिद्दीकी साहब से मैंने करवाए इंग्लिश में कॉमेडी की जी, इंग्लिश में की उन्होंने जी, शकील सिद्दीकी ने इंग्लिश में कॉमेडी की लंदन में जी। ये हजार क्यों? शकील भाई ने शकील सिद्दीकी की बात कर रहे हैं ना, तीली भाई, तीली तीली जिनको बोलते थे लोग पहले, अब तो जरा सेहत आ गई है, मशहूर तो वो तीली से है ना। हाँ, हाँ। तो उन्होंने इंग्लिश में कॉमेडी बिल्कुल। तो भाई अभी काम करना, अभी भी वो नीचे करा ले भाई, कौन है यार भाई, हम लोग इंग्लिश कहाँ कॉमेडी, हम लोग तो इंग्लिश बोल, हम लोग तो इंग्लिश बोलते हम लोग उल्टी हो जाती है भाई, क्यों नहीं बोल पाते इंग्लिश, हमारी घबराहट होती है, घबराहट होती है। इंग्लिश में तो आइटम करते हैं ऐसे कि भाई वो इसकी इंग्लिश क्या होगी, अपने किए पे पानी फेर देना, फ्लश, हम लोग इस तरह करते हैं, छोटे बाथरूम जाते हैं ना फ्लश करते हैं, हम लोग इस तरह की इंग्लिश की कॉमेडी करते हैं भाई।
मुझे नहीं लगता आप लोग चल पाओगे वहाँ। हाँ, तो हम लोग रैंक रैंक के चलेंगे, क्या करें? कितने पैसे लगाऊं मैं यार, बजट इतना ज्यादा। तो 5 करोड़ लगा रहा भाई, तू कितना लगा रहा भाई, क्या हो गया आप दोनों को? बंदे भी तो से 5 करोड़ देखो तो सही, हम लगाने को 10 अरब भी लगा सकते हैं, पैसे बहुत है, सुकून नहीं। अरब 4 बंगाली भी लगाते, फिर अरब लगा रहे लगाओगे? अरब के मतलब है पैसे, वो इनको पता थोड़ी होगा बेचारों को। खैर बैठे बैठे उज़्मी भाई, मैं कुछ समझ रहा हूँ, मैं थोड़ा समझ रहा हूँ भाई। मैं, अरे भाई आपने इसको किसी ने पैसे दिए कि इनसे मजाक करो, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपको, मेरे पास इतना वक्त है, मैं पैसे लेके आप लोगों का शक्ल देखूंगा। मजाक उड़ाने के लिए पैसे? नहीं नहीं, मैं आपका क्यों मजाक उड़ाऊंगा यार, छोड़ दो ना यार। आपने कि, आपने किसी, चले उर्दू में करना है शो, उर्दू में करोगे? हाँ हाँ, चले ठीक है, करेंगे उर्दू में, ठीक है, डन करें। हाँ डन करें। 1500 आप लोगों को मैं दूंगा लंदन के शो के लिए। 1500 पाउंड उनकी सेहत देखो, वो 50 पाउंड के भी नहीं है, रुपीज। ये कौन है? 1500 ये कौन है? ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं क्यों भी साथ है, बीच में बोल रहा हूं, बात ही गलत कर रहे हो आप। सही तो कह रहा है वो, अबे क्या बात ही गलत कर रहे हो। 1500 में कौन, कहां रहते हो? रहते कहां हो? रहते कहां हो भाई? कहीं भी रहते हो? पाकिस्तान में रहते हो ना? तो कहां की करेंसी यूज करते हो? अबे तो 1500 में कौन शो करता है यार, आप लोग करोगे? कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, जब हम 90s में करते थे, जब करते थे 1500 में शो? 90s में तो आप 150 में करते थे। 150 भाई? हाँ तो भाई आप 75 रुपए में करते थे, छोड़ दे उसे। 1500 भी बांट लेना आप लोग, ये नहीं कि उसको 1500 और आपको 1500। एक मिनट, वो तो नहीं, वो मुझे चाहिए भी नहीं लंदन में, वो बंदा नहीं तो वो पहुंच बिजनेसमैन। भाई गाली नहीं निकालना, चल चल यार, ये गाली निकाल रहे बरकत भाई। मैं आपकी, बरकत भाई क्या, मैं आपकी रिस्पेक्ट ही बदल कर रहे हो ना, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, इसलिए इनको बर्दाश्त कर रहा हूँ। तू क्या कर लेगा, क्या कर लोगे? क्या हो गया भाई जान, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? आप बात ही भाई आप लोगों ने शो नहीं करना, अबे नहीं करना, जा भाग जा। अबे भाई बात नहीं करो यार, अभी वो बदतमीजी कर रहा, मैं बदतमीजी पे उतर आया ना, बहुत मसला हो जाएगा, समझा ना? बदतमीजी करोगे? तू जानता है हमारे बारे में? तू जो जानता है ना, तू आया कौन हो आप भाई? मजाक कर रहा है, इधर बैठ भाई, उज़्मी भाई इधर बैठो। आपने क्या बोला था, ये कॉमेडियन है, ये तो बदमाश बने हुए भाई। आप YouTube पे देखें इनके बारे में सारी चीजें, तो ये बदमाशी कर रहे हैं अभी, इनका अबे तो बदमाशी तो कर आ रहा है भाई, अबे जो भी कर भी नहीं है भाई, जोड़ा पीछे पीछे यार, इसको पीछे लेकर जाओ यार, जो कुत्ते भोंकते हो काटते नहीं। अबे चल देख रहा हूं, काट लिया तूने, दस बजे आदमी ये बार बार गाली निकाल रहे हैं, मैं बात तमीज से कर रहा हूँ। गाली नहीं निकाल रहा, क्या इसकी फैमिली है पीछे, तो ये गलत बात है, वो क्यों कर रहा है बीच में? आपसे बात किया, वो कौन बात कर रहा है? बात भी तो अजीब कर रहे हो ना यार, आप जवाब दे सकते हो ना? वो आप लोग हमारे बैठे बैठे नहीं यार, हम लोग जा रहे हैं, नहीं करना ना यार, शो करवा रहा हूँ इनसे यार, वो 20 रुपए जा रहे हैं बस यार। इधर बैठे इधर बैठे, मैं बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, क्या बात करनी? बैठिए एक मिनट, बैठिए मैं आपको, एक मिनट बैठिए तो सही, नहीं बैठना, वैसे निकाल यार, इनको निकाल देना, एडवांस निकाल, एडवांस एडवांस निकाल, 500 रुपए एडवांस, तू भी बैठ, दो मिनट बैठ, मैं आपको एडवांस दे देता हूँ। अबे भाई नहीं कर यार, भाई समझा करे, खामोग तुम हाथा, ये 500 रुपए एडवांस, बाकी क्या हजार तो नहीं हो गया भाई, क्या हो गया तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? कौन है भाई यार, जितने का मुंह है उतना ही दूंगा। अबे जितने का मुंह तो तेरे मुंह पे मैं लानत दूंगा। हाँ, तो दे दो, जो देने दे दो, 500 में शो करो, लानत भी दे दो, कोई मसला नहीं। 500 में शो कर, पागल हो गया तो, ये जनाजे का शो करवा रहा है क्या 500 में? यार कॉमेडी कितने में करते हो आप लोग? कॉमेडी कॉमेडी क्या मतलब, आप लोगों की क्या फीस है? 500 रुपए यार, ये काम कर रहे हैं यार, इधर है बरकत भाई, बात सुने बात सुने, इधर है, इधर है, बात सुने बात सुने, अच्छा नहीं लगता, बात सुने, इधर है, क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार, इधर आए, बात सुने, इधर तो आए, इधर तो आए, कुछ आप इधर बैठे कुछ दिखाने हैं आपको, हम लोगों ने बरकत भाई कैमरा छुपाया, आप बैठिए सर, बैठिए आप, आप मुझे पहले शक हो रहा था ये कोई इनको शक था, बैठे बैठे बैठ जाए, इधर बैठे सर, ओ भाई असल में बड़ा कॉमेडियन है तू तो भाई, बहुत बड़ा, मुझे शक हो गया था कि कैमरा है, मैंने क्या बोला, असल में मुझे पता चला कि आप लोगों ने YouTube चैनल स्टार्ट किया, मैं आपके शोज बहुत पहले से देखता हूँ,
तो मुझे पता चला, मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया, इन्होंने मुझे कहा यार ये यूट्यूब पे है तो इनके चैनल को चेक करें। क्या नाम है आपके चैनल का? जी बरकत उज़्मी की हरकत। बरकत उज़्मी की हरकत, बहुत अच्छे कॉमेडियन है, मैंने भी काफी कुछ आप लोगों से सीखा है, हम ट्राई करते हैं। नहीं मुझे शक हो गया बीच में कि तुमने मजाक किया, मैंने क्या बोला, मैंने कहा किसी ने पैसे दिए मजाक, मुझे नहीं, मुझे और आप लोग, उन्होंने भी मुझे कहा था आपके बारे में, नवीद खान को आप लोग जानते हो, डायरेक्टर है, तो उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान में अगर कोई नंबर वन कॉमेडी टीवी पे कर रहा है तो वो बरकत उज़्मी भाई है। नहीं नहीं सच में उन्होंने किया था, इन्होंने सीरियसली कहा था, तुम दोनों इतना सीरियस कर रहे थे, मैं मजबूर लड़ रहा था, गालियां पकड़ने पे आ गया था, लेकिन सही कर रहा, मैं भी पकने वाला था लेकिन मैं रुक गया, मैंने कहा यार पता नहीं कौन है, कौन है ये दोनों, मेरा काम है इमोशनल करना। नहीं यार इनके गिफ्ट्स, मुझे शक हो गया, ये तुम कर रहे थे ना, मुझे शक हो गया, मैंने किसी, और ये लड़ाई लड़ाई भी करने के मूड में था फुल भाई, आधा भाई कर रहा है ये आपको, हमारे कंपनी आरओ ब्लांट के साथ हम काम कर रहे हैं उनकी तरफ से, तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट जितना हमसे हो सका, तो आप लोग एक बार कैमरे में हाथ हिला दीजिए, और मैं ये वो पर एक काम करना पड़ेगा, हमारे पेज को अब मजाक हो गया ना, हमारे पेज को तुम्हें लाइक करवाना है, मैं लाइक करूंगा और वो भी करेंगे ऑडियंस, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत भाई मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, इनके यूट्यूब चैनल को मेरे कहने पे सब्सक्राइब कीजिएगा, और कॉमेडी इनकी ऐसी है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आवाम को मजा आएगा क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं हंसने वो मेरे चैनल पे, तो आप लोग इनके वीडियोस देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत हंसाएंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल, इनके भी देखिए माशाल्लाह यार, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच, आप भी हमारे चैनल को चेक कीजिएगा ह्यूमैनिटेरियंस के नाम से, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।